मैं आपके लिए राग आंकड़ा समझाने जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले आपको नाग आंकड़ा समझाया था और ताग आंकड़ा समझाया था। इसके कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ भूलकर। यह आंकड़ा घड़ी की चाल की दिशा में लगता है या बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर। नंबर दूसरा पॉइंट है इसका, यह आंकड़ा या वा ला हा में नहीं लगता बल्कि रा व्यंजन पूरा बनेगा। तीसरा नियम ये कहता है, जब कोई शब्द रा से प्रारंभ होगा तो आंकड़ा ना लगाते हुए व्यंजन रा बनेगा। यह विशेष नियम है, इसे याद रखना। हमको लिखना रेखा, ये रे खा रेखा। इसी प्रकार मैं और शब्द आपको बना के बताता हूँ। पर इस तरह घड़ी इस तरह घूमती है, ये देखो ये घूम रहा है, या बाएं हाथ से ये दाएं हाथ की ओर आ रहा है। पर कर चर दर, ये दोनों एंगलों से बन सकता है। शर्म, ये सा में रा लगाना है। शर्म सिरम सिरम, कर्म फरमान, फा में रा का आंकड़ा है और मा में ना लगा हुआ है, ना का आंकड़ा लगा हुआ है। दरवेश दरवेश, परवेज कलाकार, की अंत में लगा के बता रहा हूँ आपको मैं, कलाकार। चूंकि भी अपना ला का आंकड़ा नहीं हुआ है, इस कारण से मैं अपन ने ला को पूरा बनाया है। घर नर मर तर, ये भी दोनों तरह से बन सकता है। प्रेस प्रेम प्रेम लता, और इसको लगाते वक्त इसका अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। दूसरा, ये जो राग आंकड़ा है ये बीच में भी लगता है, प्रारंभ में भी लग जाता है, परंतु राग अगर राग से कोई चीज़ सब सबसे प्रारंभ होता है उस समय ये नहीं लगता। बस इस बात का अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। प्रमाण प्रमाण आदि शब्द मैंने आपको बता दिए हैं, और ये जो आंकड़ा है ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है इस वर्ल्ड एंड में, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। इसके बाद उपयोग होता है ला के आंकड़े जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।